इसके आपको क्या बताऊंगा रासायनिक नाम, क्योंकि आगे अपने जो 50 क्वेश्चन करेंगे ना उनमें इन चीजों का बहुत यूज आएगा, तो आप इसका क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विटामिन ए को क्या बोला जाता है, जैसे रेटिनोल, ठीक है, B1 का थायमिन, राइबोफ्लोविन, निकोटिनमाइड और पेंटोथेनिक अम्ल, पायरोडोक्सिन, बायोटिन, फोलिक अम्ल, तो ये सारे विटामिन के नाम है कहां से, ए से लेकर बी सी डी और ई और के, सभी विटामिन के ये रासायनिक नाम हो गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बेहतरीन बेहतरीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अपने को आगे नाम आएगा। एज इट इज क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछेगा आपसे, तो आपको रेटिनोल पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे विटामिन B2 का नाम तो राइबोफ्लेविन नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया विटामिन के रासायनिक नाम। अब आगे बढ़ते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास से। अब बात करते हैं विटामिन ए का, विटामिन ए से होने वाले रोगों के नाम, उसके बाद इनसे कौन कौन सी चीजों से विटामिन मिलती है उनके बारे में अपन बात करेंगे। विटामिन ए में क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, संक्रमणों का खतरा होता है, ठीक है भाई, मोतियाबिंद, त्वचा शुष्क या हल्की हो जाती है, ये सारी ध्यान में रखना। B1 से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। B2 से त्वचा का फटना, जो अपनी स्किन्स है वो फटने लगती है B2 की कमी से, आंखों का लाल होना। और आप बात करते हैं B3 की, बात करते हैं त्वचा का, त्वचा पर दाद होना, आप देखते हो दाद खुजली होती है तो किसकी कमी से होती है, B3 विटामिन की कमी से त्वचा पर दाद और खुजली होती है। चलिए आगे बात करते हैं अपन, तो देखो यहां पे अगर आपको B3 ना देके आपको ये बोल दे निकोटिनमाइड की वजह से कौन सा रोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई विटामिन B3 को निकोटिनमाइड बोला जाता है रासायनिक नाम। तो इसलिए मैंने पहले बताया, स्टेप बाय स्टेप आप पूरा देखिए, तसल्ली रखिए, 15 मिनट में आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, बहुत कुछ सीखने वाले हो। विटामिन B5 की बात करते हैं तो बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होना, ठीक है। विटामिन B6 की बात करते हैं, एनीमिया रोग होता है, त्वचा का रोग होता है। B7 से लकवा, पैलासिस हो जाता है, शरीर में दर्द, बालों का झड़ना। विटामिन B9 और विटामिन B12 सेम रोग है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया, एनीमिया और पेचिक रोग होता है भाई, ठीक है। सी से कौन सा, स्कर्वी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जब प्रीवियस ईयर देखोगे ना तब आइडिया लगेगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आप सभी के लिए, तो आपको अच्छे से याद कर लेना इस चीज को। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है भाई, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है भाई। विटामिन ई के जनन शक्ति का कम होना भाई, जनन शक्ति पे प्रभाव करता है विटामिन ई। अब बात करते हैं विटामिन के कारण, रक्त का थक्का, मतलब जब चोट लग जाती है तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होती भाई, रक्त का थक्का नहीं जमता। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो अब ये सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको कि भाई विटामिन ए कहां कहां से अपने को मिलता है। विटामिन ए की बात है, दूध से, दूध, मक्खन, गहरे हरे रंग की सब्जियां, शरीर पीले और हरे रंग के फल सब्जियों से इसमें मिलता है। जिनका शरीर, मतलब जैसे पपीता पीले रंग का होता है भाई, उनसे विटामिन ए मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन थायमिन बी, साबुत अनाज। अब देखो यहां पे आपको अभी तक याद होना चाहिए, पहले मैंने रासायनिक नाम बताया, उसमें विटामिन के नाम बताए कौन कौन सी रोग, अब यहां पे मैंने रासायनिक नाम से जोड़ के इनको स्रोत के साथ में कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो पहले वाली स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बात करते हैं भाई, राइबोफ्लेविन दूध और पनीर होता है भाई, नियासिन साबुत अनाज आटा इन्हीं से मिलता है भाई, पायरोडोक्सिन बी साबुत अनाज से मिलता है, ठीक है भाई, पेंटाथेनिक अम्ल गिरीदार फल साबुत अनाज, ठीक है भाई, साबुत अनाज मिल, समझते हो, जो अनाज फुटा हुआ नहीं है, दाल होती है ना जी, तो दाल दो भागों में बांटने के बाद दाल बनती है, उसका साबुत अनाज नहीं बोलते। अब आता है बायोटिन, तो ये जितना भी है आपको याद होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन, जिनके मैं आपको जल्दी से आंसर बताऊंगा, आपको याद होना चाहिए, अगर आपको वो चीज आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अच्छा लगे तो क्लास को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो विटामिन की खोज होपिंग्स ने की थी, ए राइट आंसर हो जाएगा भाई, इतना सभी का क्लियर। विटामिन की खोज किसने की थी, होपकिंस ने की थी भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था भी, तो विटामिन शब्द कौन से वैज्ञानिक ने पहले दिया था, तो यहां पे हो जाएगा सी फंक हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है भाई, तो आपसे पूछा गया विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी या 0, तो विटामिन से हमेशा याद रखना, विटामिन से कोई भी कैलोरी नहीं मिलती भाई, 0 कैलोरी मिलती है विटामिन से। इतना हो गया भाई सभी को, देखो अपन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चैप्टर से आप 2 से 3 क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, पूरा देखिए, तसल्ली रखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार की, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेटिन भाषा का विटामिन शब्द है। इतना मेरे भाइयों को सभी का क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए कट गया होगा स्क्रीन पे, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यहां पे आपसे पूछना चाह रहा है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो यहां पे विटामिनोलॉजी। लॉजी आपको पता है भाई, लॉजी जो शब्द होता है उसका क्या मतलब, अध्ययन होता है। विटामिनोलॉजी, विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विटामिन को किन दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो यहां पे क्या है, वर्गीकृत उपयुक्त दोनों, ठीक है। कुछ विटामिन पानी में घुलनशील होती है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होती है। आपको पता होगा भाई, आपको बताया था कीड़ा, ठीक है भाई, कीड़ा सभी को याद हो गया कॉमन, ये वाली विटामिन चार विटामिन वसा में घुलती है, बाकी सब पानी में, ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर सात की बात करते हैं, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होता है भाई, तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों बी और सी। बी और सी आप देख सकते हो, जल की बात हो रही है, मैंने बताया था यहाँ पे वसा में कौन सा कीड़ा घुलता है, तो यहाँ पे ना ही बी है, ना ही तो बी है, ना ही सी है, तो आपको इतना क्लियर हो गया सारा चीज। टॉपिक इस टॉपिक में वीडियो में आपका क्लियर कराऊंगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आठ की, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है भाई, तो कौन सा विटामिन पानी में वसा में घुलनशील होता है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। आप देख सकते हो सारे के सारे वही चार विटामिन यहाँ पे मैंने लिखे हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर नौ की बात करते हैं, किस विटामिन को दो सनशाइन विटामिन कहा जाता है, को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली विटामिन। सभी का राइट आंसर आएगा यहाँ पे विटामिन डी। सभी कहते हैं भाई सुबह की सूर्य की रोशनी से हमें क्या मिलता है भाई, विटामिन डी मिलता है, इसलिए कहते हैं सुबह सूर्य की रोशनी में बैठना चाहिए सभी को, जिससे कि अपनी विटामिन डी की कमी पूरी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, 10 नंबर में क्या पूछा गया, मनुष्य की आंख को रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? अगर मनुष्य की अपनी आंख की रोशनी को तेज करना है तो कौन सा विटामिन उसमें होना चाहिए? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ होमवर्क, क्योंकि मुझे पता चले ना कितने बच्चे का वो कौन सी वीडियो के कितने भाग तक पहुंच रहे हैं, तभी उसी हिसाब से आपको अच्छा मटेरियल दिया जाता है। तो सभी का राइट आंसर आना चाहिए, मनुष्य की आंख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है, होमवर्क का देखूंगा किन किन का राइट आंसर आता है भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, विटामिन ए का रासायनिक नाम अपन ने अभी देखा था भाई, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल। अब आप देख सकते हो रेटिनोल मतलब ये कहीं ना कहीं आंख से लाभदायक होता भाई, रेटिना शुरुआत के देखो रेटिना, ठीक है, तो यहां से कहीं ना तो आंख के लिए लाभदायक होता है, यह भी एक हिंट दे देता हूं आप सभी को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, मतलब एंटी कैंसर, जिससे कैंसर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो विटामिन 12 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है भाई। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत आभार, और अच्छे से देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, जिससे इन्फेक्शन रुकता है या कम फैलता है, तो वह कौन सी विटामिन है भाई, तो यहाँ पे विटामिन ए। देखो मैं पहले शुरुआत में ए लेके आया हूँ, विटामिन ए बी सी सारा क्रम वाइज होगा, ये वीडियो आपको बहुत लाभदायक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, 14 की बात करते हैं, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इनमें से सभी, गाजर, हरी सब्जी, मूली। मैंने आपको पहली दूसरी स्लाइड में आपको यही बताया था, तो शुरुआत के दो स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में आप 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करके देखना, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक कहा जाता है, उससे पहले कैंसर रोधी कहा जाता है और इन्फेक्शन रोधी भी कहा जाता है, तो यहाँ पे सारे राइट आंसर हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, कौन सा विटामिन की वजह से, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब बात करते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी और किस प्रकार के नाम से जाना जाता है, रतौंधी रोग का दूसरा नाम क्या होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर अपना ए ऑप्शन, निकोटोलिपिया बोला जाता है इसको, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, वयस्कों में होने वाली बीमारी
ठीक है, अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, सभी का राइट आंसर आना चाहिए वैसे कमेंट बॉक्स में, साथ साथ में आप कमेंट करते जाइए और राइट आंसर देते जाइए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ए बी सी और डी, कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बी ऑप्शन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, बी ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, B1 का रासायनिक नाम क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए, तो यहां पे थियामिन, ठीक है भाई, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इतना सभी का क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा भाई? विटामिन बी की कमी से, तो आपको देखना इस स्लाइड का आंसर अगर आता है तो आपने शुरुआत की 2 से 3 स्लाइड अच्छे से कर रखी है। तो ये हो गया आपका होमवर्क, दूसरा पहला 10 नंबर का क्वेश्चन दिया था, दूसरा 21 नंबर का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? तो B12 का रासायनिक नाम पूछा गया आप सभी से, तो यहां पे हो जाएगा राइबोफ्लेविन, बी नाम बी ऑप्शन यहां पे सही होगा। अब बात करते हैं 23 क्वेश्चन नंबर की, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा होंठ फट जाते हैं? तो कौन सी त्वचा, किस विटामिन की कमी से त्वचा और होंठ फटते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 23 का बी आंसर, B2 की वजह से होंठ और त्वचा फटती है। बात करते हैं 24, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12 की वजह से एनीमिया हो जाता है भाई, ठीक है, जिसमें आपको पता है भाई क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, सभी को याद है भाई। आगे बढ़ते हैं, मछली की यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन डी मछली की यकृत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, 25 का राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार या प्लेगरा रोग हो जाता है या मंद बुद्धि हो जाता है? तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर दीजिए, तो विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, मानव मंद बुद्धि या प्लेगरा रोग का शिकार हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम, तो यहाँ पे राइबोफ्लेविन विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। इतना सभी का क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? B12 का रासायनिक, अपने B12 के बारे में बहुत पढ़ा है भाई, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, अभी अपने इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर दीजिए भाई, जितने भी साथी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर का, तो साइनोकोबालमिन, ठीक है भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं भाई 29 नंबर क्वेश्चन पे, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? तो उस क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेंटाथेनिक अम्ल विटामिन B5 का नाम होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, ठीक है, क्या होता है विटामिन B3 का रासायनिक, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? विटामिन B7 का रासायनिक नाम, तो क्वेश्चन नंबर 31, आप देखो फिर आपके लिए मैं कुछ ना कुछ होमवर्क लेके आया हूँ, ऐसा नहीं है होमवर्क वाले में आपको किसी ने डिस्कस नहीं किया, शुरुआत के 2 स्लाइड में सबके आंसर है, फिर भी आपको इसके देखता हूँ कि भाई शुरुआत से वीडियो आप कितना कंसेंट्रेशन के साथ में ये देख रहे हो, कितने ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो, इसलिए मैंने तीसरा क्वेश्चन दिया है, पहला 10 नंबर पे, दूसरा 21 पे, तीसरा 31 नंबर पे, तीनों के राइट आंसर आने चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, विटामिन B9 का रासायनिक नाम बताइए, विटामिन B9 का रासायनिक नाम बताइए, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो B9 का रासायनिक नाम क्या होगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा B9 का फोलिक अम्ल, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, बालों का झड़ना कौन सी विटामिन की वजह से होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, B7 की कमी से बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है भाई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? विटामिन सी की बात कर रहे हैं तो एस्कोर्बिक अम्ल बोला जाता है विटामिन सी को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? वह कौन सी विटामिन है जिसकी वजह से मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आने लग जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं भाई,
क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, तो आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपको पता है आंवला खट्टा होता है, तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन सी पाया जाता है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, मूत्र में अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अगर आपसे पूछे कि मानव मूत्र में सबसे ज्यादा विटामिन कौन सी पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा विटामिन घाव को भरने, अगर आपके शरीर पे चोट लगती है तो उस घाव को कौन सा विटामिन भरता भाई? तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी, बी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होगा, विटामिन सी यहां पे राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का, क्वेश्चन नंबर 39 का, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता भाई? कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी का उपयोग कैंसर में उपयोग किया जाता भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है? विटामिन एच को और किस प्रकार से जाना जाता है? सिंपल सा पूछा है कि विटामिन को दूसरा नाम क्या भाई? विटामिन एच का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर? विटामिन बी सेवन, विटामिन बी सेवन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में से कौन सा विटामिन मददगार होता है? रेड ब्लड सेल होता है भाई, आरबीसी आपको पता भाई, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आरबीसी का जीवन काल कितने साल का होता है, आरबीसी कहाँ जाके मरती है भाई, ठीक है, इन दोनों का चीजों का आंसर दीजिए। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ आपको इतना बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके आऊंगा, आप सपोर्ट बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की, विटामिन बी डी का, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर, तो यहाँ पे कैल्सीफेरॉल विटामिन बी का राइट, 42 का बी ऑप्शन, ठीक है भाई, इतना सभी का क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, कौन सा विटामिन मानव शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? कि मानव शरीर में जो कैल्शियम होता है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी रखता है कौन सा विटामिन? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी, विटामिन डी, ठीक है भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मानव शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर, तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से, आपको पता है डी कहां से मिलता है, मैंने अभी बताया था, उसका रासायनिक नाम भी बताया था, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं सभी को, ठीक है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, सूर्य से मिलती है, सभी को पता है, सुबह सुबह की धूप, सूर्य की रोशनी से ये चीजें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 में? डी ऑप्शन। देखो अपन ए से चले थे, ए बी सी, अब डी पे पहुंच के सारा क्रम में मैंने आपको सेट किया प्रीवियस ईयर का, आपके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करिए, तो पढ़िए उनको एज इट इज, याद कर लेना इस वीडियो को, 2 से 3 बार देखना, गारंटी के साथ में कह रहा हूं, आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? एकमात्र ऐसे विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको दो ही चीजें याद करनी है इसमें, विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ठीक है भाई, उसके बाद उसके रासायनिक नाम, और उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने 50 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस में आज तक एग्जाम में आए हैं, सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में लेके आया हूं। आगे बात करते हैं भाई, किस विटामिन, ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे, लेकिन मैं पढ़ देता हूं, विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, कौन सी ऐसी विटामिन है जिसका निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सबको पता है, अगर आप सूर्य की रोशनी में बैठोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, आपको यहाँ पे सूर्य से रोशनी से क्या मिलेगा? विटामिन डी। कैसे? अपने स्किन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, तो यहाँ पे विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता भाई? तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता भाई। जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी को एक बार क्लास को अच्छे से देखो, उसके बाद आप कुछ आगे करना, बहुत अच्छी है ये क्लास, आपको आने वाली एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगा। मानव शरीर में विटामिन द्वारा संचित होता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यकृत। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछा गया आपसे, सिंपल सा है, B6 का रासायनिक नाम पूछा गया। 51 का राइट आंसर दीजिए भाई। तो अगर आपसे विटामिन B6 का तो रासायनिक नाम पूछा जाए तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, पायरेडोक्सिन हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का, विटामिन B10 का रासायनिक नाम क्या होता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन, फोलिक अम्ल, सी ऑप्शन। तो साथियों ये थे विटामिन के बारे में पूरी हिस्ट्री, A to Z हिस्ट्री विटामिन से। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो सेम इसी तरह के मैं वीडियो आपके लिए और लेके आऊँगा। आप अपना कमेंट करिए, मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो उनका भी आंसर दीजिए और अपने जितने भी साथी हैं सभी को शेयर करिए। अगर आप जितना सपोर्ट करोगे मैं उतना ही बेहतरीन से बेहतरीन मेरे में और सुधार करके और अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आया करूँगा, जिससे कि आपका जो सपना है सरकारी जॉब का वो पूरा कर सके। ठीक है, जितने भी साथी जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।